नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगी जून जुलाई के मंथ में हैंगिंग बास्केट में हम ऐसे कौन कौन से प्लान की कटिंग लगा सकते हैं। और दोस्तों, ये हैंगिंग प्लान जो है, आप इनको बारिश के टाइम में आप आउटडोर भी कटिंग लगा के रख सकते हैं और इनडोर भी। और ये शेड में चलने वाले सारे प्लांट्स हैं और बहुत ही खूबसूरत से दिखने वाले पौधे होते हैं। आप हैंग कर दीजिए, कुछ तो बहुत ही ज़्यादा लटकते हैं, कुछ तो मतलब बहुत ही फाउंटेन शेप में रहते हैं। और फिलहाल कटिंग से अगर लगाने की बात करूं तो कटिंग इनकी दोस्तों चुटकियों में लग जाती हैं। कुछ एकाध पौधे ऐसे होते हैं जिसमें पहले से ही जड़ें बनी हुई होती हैं और कटिंग बस मिट्टी में नमी पाते ही वो अपना ग्रोथ करना शुरू कर देते हैं। तो कौन कौन से दोस्तों प्लांट इस वीडियो में शेयर करूँगी। वीडियो अगर आप सभी को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को हमारे ज़रूर सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि जब इस तरीके की वीडियो में आप सभी के साथ शेयर करूं तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। दोस्तों, ये जो प्लांट देख रहे हो ये हमारा स्पाइडर प्लांट है और ये हैंगिंग बास्केट के लिए बेस्ट माना जाता है। दोस्तों, इसमें पहले से रनर्स निकले हुए होते हैं जिसमें आप बस तोड़ के आप मिट्टी में दबा देंगे तो आसानी से लग जाएंगे। ये रूट से भी डिवाइड होते हैं, उसमें साइड साइड से नए नए प्लांट्स बने हुए होते हैं, वहाँ से इनके हम प्रोपोगेशन कर सकते हैं। स्पाइडर प्लांट दोस्तों आप इंडोर रखिएगा, यानी ये इंडोर चलने वाले प्लांट है और हैंगिंग के लिए तो बेस्ट माने जाते हैं। तो नंबर वन पे तो मैं इसी को बोलूँगी। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा बेबी टियर प्लांट्स है, ये भी हैंगिंग के लिए बेस्ट हैं। इनकी छोटी सी कटिंग जैसे हमारे बाकी सकुलेंट प्लांट होते हैं सेम उसी तरीके से हैं। इनकी एक इंच की भी कटिंग दोस्तों मिट्टी के संपर्क में आते अपनी ग्रोथ करना शुरू कर देते हैं। तो कहीं भी दिखे आपको ये प्लांट दोस्तों तो बारिश के टाइम में लगा लीजिएगा। इनकी जो ग्रोथ होती है बारिश के टाइम में दोगुनी तेज़ी से होती है, प्लांट हरे भरे हो जाते हैं। तो कहीं भी अगर दिखे तो इनको आप लाके सॉइल में अपने हैंगिंग बास्केट में लगा लीजिएगा। और मिट्टी हैंगिंग के लिए दोस्तों हमेशा लाइट वेट बनाइएगा ताकि आपकी मिट्टी हल्की भी रहे, पॉट भी हल्का रहे और सर्वाइव भी कर सके। कटिंग जब भी दोस्तों आप लगाएं, इन्हें आप ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर इनको छाँव मिले। ऐसे ही इंडोर ही हैं, छाँव में चलने वाले होते हैं सारे हैंगिंग प्लांट्स, तो इन्हें भी आप जरूर कटिंग से शुरू करें। नेक्स्ट हमारा दोस्तों पर्पल हार्ट है, तो हैंगिंग बास्केट के लिए अगर मैं बेस्ट बोलूँ तो पर्पल हार्ट ये भी बेस्ट माने जाते हैं। बेस्ट हम बेस्ट जो होते हैं वो सब दिन के लिए होते हैं। इनकी भी एक इंच या दो इंच की कटिंग आसानी से लग जाती है और इनको तो बॉटल प्लांट भी बोल सकते हैं और हैंगिंग प्लांट्स भी बोल सकते हैं और पॉट में भी लगने वाले पौधे हो, कहीं भी मतलब लगा दोगे ना, इजी टू ग्रो, इजी टू केयर प्लांट्स है। और इसमें देखिए इस तरीके से पानी वगैरह जो रुक जाते हैं तो वाइट कलर का दाग बन जाता है। तो ये दोस्तों मतलब अभी सेकुलेंट फैमिली से बिलोंग करते हैं, इनको चाहे तेज़ धूप में रखो या फिर छाँव में रखो, बहुत ही इजी टू ग्रो, इजी टू केयर प्लांट है। और इसमें पर्पल कलर के फूल आते हैं जो देखने में बहुत ही प्यारे लगते हैं। तो इन्हें भी अगर इस बरसात में लगाते हैं तो इनको दोगुनी तेज़ी से बढ़ते हुए देखने को पाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा दोस्तों खूबसूरत सा है ये स्वीट पोटैटो वाइन। और इसमें मैंने जब लगाया था तो वेरीगेटेड का था, बट नए नए नीचे से जो जड़ से निकल रही है ना उनके कलर थोड़े से ग्रीन आ रहे हैं। और ये जो है मेन ये मदर प्लांट है, इनमें दो कलर पिंक और ग्रीन है। अभी थोड़ी सी गर्मी की वजह से ना इनका कलर थोड़ा सा फैट हो गया है जिसकी वजह से इस तरीके से दिख रहे हैं। तो फिलहाल आप इनकी भी दोस्तों कटिंग हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हो, देख सकते हैं। हैंगिंग बास्केट का जो साइज़ दोस्तों होता है इन सब के लिए मैटर नहीं करता कितना बड़ा साइज हो, बस आप 4 इंच की भी हैंगिंग बास्केट बना सकते हैं क्योंकि जो हमारे बॉटल प्लांट होते हैं 4 इंच से ही स्टार्ट होते हैं। तो इसलिए मैं बोलती हूँ कोई भी साइज़ नहीं मैटर करता कि हैंगिंग बास्केट या हैंगिंग प्लांट्स के लिए हमें इतना बड़ा पॉट चाहिए होता है। फिलहाल मेरा जो हैंगिंग पॉट है दोस्तों वो 8-8 इंच के सारे हैं और सारे बहुत अच्छे से चल भी रहे हैं। तो अगर आप लेना चाहते हैं हैंगिंग बास्केट के लिए प्लांट तो आप 10 या 8 इंच का लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा दोस्तों खूबसूरत सा प्लांट है वांडरिंग जू, तो वांडरिंग जू भी एक हैंगिंग प्लांट में आते हैं। ये भी दोस्तों अभी बारिश के टाइम में लगाएंगे ना तो बहुत अच्छा सा लुक देखने को मिलेगा। इसमें 3 कलर आते हैं वांडरिंग जू में, पिंक पर्पल ग्रीन रहते हैं। तो पर्पल वाला दोस्तों ये है। फिलहाल इनके पत्तियाँ ऊपर से वेरीगेटेड होती हैं,
बैक से प्लेन पर्पल रहती हैं। तो वांडरिंग जू कटिंग से लग जाते हैं, इसमें भी पहले से ही एरियल रूट्स निकले हुए होते हैं, छोटी छोटी कटिंग से ये लग जाते हैं। आप किसी भी छोटे से बड़े से पॉट में लगा दोगे दोस्तों तो लग जाएंगे। कहीं भी ये तेज़ धूप में भी चल जाते हैं, छाँव में भी चल जाते हैं। बारिश का जो टाइम होता है इन सब के लिए समझो वरदान ही है, और ग्रोथ दोगुनी तेज़ी से होने लगती है और फैलते भी हैं तेज़ी से, चार गुना से। तो अगर आपको ये आपको प्लांट कहीं भी दिखे नहीं है तो कटिंग से आप झटपट लगा लीजिएगा बारिश के टाइम पे, और आपका हैंगिंग बास्केट अच्छे से तैयार भी हो जाएगा। कहीं भी लगा देंगे तो खूबसूरती तो बनती रहती है इन प्लांट से। नेक्स्ट हमारा खूबसूरत सा दोस्तों ये है टेंगल हार्ट। टेंगल हार्ट दोस्तों हर एक गार्डनर की पसंद होती है, लेकिन कभी कभी इतना हो जाता है कि लोग फेंकने पे मजबूर हो जाते हैं। लेकिन चाहे जितना भी हो जाए दोस्तों, हम प्लांट्स को कभी ख़त्म नहीं होने देते, चाहे फेंक भी दें बट उनके कुछ हम पार्ट्स रख ही लेते हैं अपने गार्डन में, क्योंकि हम प्लांट्स लवर होते हैं, कभी कोई चीज़ मतलब फेंकना नहीं पसंद करते हैं, बट ओवर हो जाता है तो बांट जरूर देते हैं। तो ये भी दोस्तों कटिंग से आसानी से लग जाते हैं। अगर आपको ग्रो करना है तो ज़रूर कटिंग से, एक इंच की भी कटिंग लग जाती है। इसमें भी दोस्तों एयर रूट्स निकले हुए होते हैं, एरियल रूट्स जो होते हैं मिट्टी के संपर्क में या नमी के संपर्क में आते ही ये अपनी ग्रोथ करना शुरू कर देते हैं। और जहाँ पर ये लगे होते हैं आसपास गमले में इनके पौधे गिरे होते हैं और ढेरों सारे इनके जो प्लांट बन जाते हैं फ्री में ही, तो इन्हें भी ज़रूर आप लगाइएगा। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों हमारा चार्ली क्रीपर है, तो ये भी गर्मी में तो फिलहाल भी कुछ हमारे प्लांट्स बर्न हो गए थे पत्तियाँ, बट कटिंग से अगर बारिश के सीजन में इन्हें लगाएंगे तो 100% ग्रो हो जाएगी। उनकी छोटी से छोटी कटिंग 1 इंच या 2 इंच की लग ही जाती है मिट्टी में किसी भी सॉइल में दोस्तों। और पूरी गर्मी क्या होता है, इन थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है सर्वाइव करना, लेकिन बारिश आते इनकी ग्रोथ जो होती है दुगनी हो जाती है, तो इन्हें भी कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा दोस्तों बारिश में अच्छे से चलने वाला जो है टर्टल वाइन है, तो ये भी 4 गुना तेज़ी से अपने आप को बढ़ाते हैं, तो इनकी भी 1 इंच की कटिंग लग जाती है। एरियल रूट्स इसमें भी रहते हैं दोस्तों, अगर आपको लगाना है तो इनकी छोटी सी कटिंग लेके बस मिट्टी में आप ऐसे रख भी दोगे ना तो इनकी ग्रोथ करना शुरू हो जाती है। और जैसे हमारे टेंगल हार्ट होते हैं ना, जहाँ पे लगे होते हैं अगर गिर भी जाती है कटिंग दोस्तों, तो इनसे पौधे तैयार हो जाते हैं। हमारे यहाँ पे जितने भी प्लांट्स दोस्तों हैं सब में कहीं ना कहीं, अगर मेरे पास 10 प्लांटर हैं तो 10 प्लांटर में से 7 प्लांटर में आपको टर्टल वाइन दिख जाती है, तो हैंगिंग बास्केट के लिए भी बेस्ट है। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों हमारा खूबसूरत सा है मनी प्लांट, और मनी प्लांट को भी हम कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। गर्मी में क्या था कि गर्मियों में थोड़ी सी मुश्किल हो जाती थी इनकी कटिंग लगाना, अभी भी अगर हो रही है दोस्तों तो सबसे अच्छा मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूँगी कि आप अगर कटिंग लगा रहे मनी प्लांट की, तो कुछ दिन के लिए आप अपने मनी प्लांट की जो कटिंग है पानी में लगा के रखिए। जब कटिंग आपकी अच्छे से लग जाए, उसमें रूट आने लगे, तब आप सॉयल में लगा के छांव में रखिएगा, 100% आपकी कटिंग सक्सेस हो जाएगी। फिलहाल अगर अभी कंटिन्यू आपके यहाँ पे बारिश हो रही है तो कटिंग लग जानी चाहिए। बारिश के पानी जो होता है हमारे मनी प्लांट के लिए बहुत ही अच्छा होता है। मनी प्लांट जो होता है इस टाइम पर बारिश के टाइम पे बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है। कोई भी वैरायटी का आपके पास हो तो ज़रूर ग्रो करिएगा, बहुत इजी टू ग्रो प्लांट माने जाते हैं मनी प्लांट को। नेक्स्ट जो हमारा दोस्तों पौधा है वो है स्पाइडर प्लांट। तो स्पाइडर प्लांट की कई वैरायटीज़ होती हैं, जिनमें से मैंने एक स्टार्टिंग में बताया था, एक ये भी है, और ये भी रनर्स से ही लगते हैं और रूट डिवाइड भी होके लगते हैं। तो जिस तरीके से आपको पॉसिबल हो लगा सकते हो। अभी देखिए इस तरीके से रनर्स रहते हैं, इनको तोड़ के अगर हम लगा लेंगे ना तो पौधा तैयार हो जाता है। गर्मी के टाइम में जितने स्पाइडर प्लांट्स हैं सारे मर गए थे। यहाँ पे मैंने देखे कटिंग लगाने की कोशिश की थी, फिर भी पत्तियाँ थोड़ी सी बर्न हो गई है, लेकिन अभी बारिश हो रही है दोस्तों, तो आप ज़रूर कटिंग सेव करिए, बचाइए अपने प्लांट को, क्योंकि स्पाइडर प्लांट एक बहुत ही खूबसूरत वैरायटी होता है, इंडोर प्लांट और हवा को शुद्ध करने वाला बेस्ट प्लांट माने जाते हैं। तो इनकी कटिंग बहुत आसानी से दोस्तों लग भी जाती है, और इनके जो खूबसूरती है तो देखते ही बनती है। बहुत सी वैरायटी इनकी है स्पाइडर प्लांट की, तो इन्हें भी जरूर ग्रो करिएगा। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों पेंडानस का प्लांट है,
और पेंडानस के प्लांट की बात करूँ दोस्तों, इनकी पत्तियाँ थोड़ी सी नुकीली होती हैं और थोड़ी सी शार्प होती हैं, ज़रा से अगर हम चूक जाए ना तो इनकी पत्तियाँ हमारे उंगली को भी कट कर सकती हैं। इनकी जो प्रोपोगेशन होती है वो रूट से होती है, इसमें रनर्स नहीं रहते हैं। कुछ लोगों को धोखा हो जाता है कि ये स्पाइडर प्लांट है, बट दोस्तों ये स्पाइडर प्लांट नहीं है, उन्हीं के जैसा दिखता है, उन्हीं की फैमिली का है, बट ये पेंडानस का प्लांट है। तो ये चीज़ आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, हमको भी नहीं पता था दोस्तों, तो किसी से मुझे पता चला कि ये स्पाइडर प्लांट नहीं है, तो मैं भी आप लोग को बताना चाहूँगी कि इस धोखे में मत रखिएगा कि स्पाइडर प्लांट है। हाँ, ये इंडोर अच्छे से छांव में चल जाता है, बारिश का जो टाइम है इनके लिए बेस्ट है ग्रोथ का, तो इन्हें बिना देरी के कहीं भी दिखे तो प्रोपोगेशन कर सकते हैं। नीचे से छोटे छोटे से पप्स रहते हैं जो इन्हें तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों अशिष्टिया का प्लांट है, वो बहुत अच्छे से इस तरीके से ब्लू कलर का, पिंक पर्पल जो भी कलर हो अच्छे से खिलते हैं। तो ये मैंने फर्स्ट टाइम अपने गार्डन में ऐड किया है, जब से मैंने ऐड किया है बहुत अच्छे से फ्लावरिंग इनकी हो रही है। इनको मैंने हैंगिंग बास्केट के लिए लिया था, बट उस टाइम पे मेरे पास हैंगिंग बास्केट अवेलेबल नहीं थी, तो मैंने इनको छोटे से गमले में लगा दिया। अभी जहाँ पर ये लगा हुआ है ना, वहाँ पे ये बहुत ढेर सारे मतलब फैल गए, पूरा कवर कर लिया गमले को, तो ये हैंगिंग बास्केट का। अभी बारिश का टाइम आ गया तो मैं ज़रूर उसमें इनको कटिंग फ़िलहाल में लगा लूँगी, मैं इसमें ही रहने दूँगी, क्योंकि कभी कभी जो पूरा प्लांट अगर मैं लगा दूँगी तो ख़राब होने के चांस रहते हैं दोस्तों। ये सारी चीज़ें ना ध्यान रखनी होती है कि प्लांट ख़राब ना हो। और फूल तो इस तरीके से मैं जब से लेकर आई हूँ हमेशा एक दो फूल खिले ही रहते हैं। तो अशिष्टिया को भी दोस्तों आप कटिंग से इस सीज़न में लगाइए, बारिश के सीज़न में, और अपने गार्डन को खूबसूरत बनाइएगा। सो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो, जिसमें मैंने आप लोगों को 12 या 13 से कुछ ऐसे प्लांट मैंने सजेस्ट किए हैं जिनको आप कटिंग से अपने गार्डन में लगा सकते हैं। आई होप दोस्तों आप आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक शेयर, और चैनल पे न्यू है तो चैनल को हमारे ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो, नए प्लांट, नए इन्फॉर्मेशन के साथ। अब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखें।